दिस इज वर्ल्ड बेस्ट एडवेंचर बाइक बी एमडब्ल्यू थर्टीन हंड्रेड आज इस बाइक के बारे में डिटेल्स में बताएंगे बताएंगे इस मैसी बाइक में क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर की जाती है इस बाइक की ऑन रोड प्राइस क्या है जहां पर इस बाइक की एक्सेसरीज की दाम ही पांच लाख से ऊपर है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स डिस्क्राइब दिस माउन एडवेंचर बाइक वेलकम ऑन सेकेंड इन लॉर्ड ऑफ डोर्स लॉर्ड ऑफ डोर्स में आपके एक बार फीचर स्वागत है आज हमारे पास एक मॉन्स्टर बाइक है जो दावे के साथ कह सकते हैं वर्ल्ड मोस्ट बेस्ट एडवेंचर बाइक जो टूरिंग के लिए एकदम रेडी है देखिए ये बाइक पूरा फुल सेटअप के साथ आती है इस बाइक की ऑन रोड प्राइस तो छोड़िए इस बाइक की जो एक्सेसरीज है वो पांच लाख के ऊपर की आती है तो चलिए इस बाइक को छोटा सा करके डिस्क्राइब कर देते हैं बाद में बताएंगे इस बाइक की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है और इस नया बाइक में एक्स्ट्रा क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर की जाती है तो सबसे पहले ये आर थर्टीन हंड्रेड जीएस की फ्रंट लुक देखिए काफी शानदार है यहाँ पे एक बढ़िया सी स्क्रीन। देख सकते हैं काफी बढ़िया यहाँ पे सारे लाइट्स डेफिनेटली एलईडीज है यहाँ पे जो डी एन एल का पैटर्न है काफी बढ़िया है यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टेड हेडलैम्प आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है और यहाँ पे फॉग लैम्प जो है पहले से कंपनी फिटेड फॉग लैम्प है जो काफी पावरफुल है काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ से और फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक यहाँ पे रेडिएटर और अभी बात अगर करेंगे इंजन की तो 1300 सीसी की इंजन है जहाँ से ये इंजन यहाँ से शुरू होता है और देखिए इधर आके इंजन ये खत्म होता है कितना बड़ा मैसिव एक इंजन है और इंजन को भी बाहर से ऐसे प्रोटेक्ट करके रखने के लिए अलग से दिया गया है ताकि इंजन क्रैश होने का चांसेस कम हो जाए और यहाँ पे देखिए एक क्रैश गार्ड भी और भी है नीचे से प्रोटेक्ट करने के लिए और इंजन का साइज देखिए भाई साहब काफी बढ़िया है और यहाँ पे जो सस्पेंशन देखिए यहाँ पे डुअल सस्पेंशन है फ्रंट में देखिए यहाँ पे एक सस्पेंशन आपको दिख रहा है और ऊपर से एक और अलग से सस्पेंशन सेटअप इस बाइक में है जो काफी बढ़िया कंफर्ट राइड डेफिनेटली आपको इस बाइक से प्रोवाइड करेगी और लुक्स कुछ इस तरीके का है और टायर सेक्शन की अगर बात करें सबसे पहले आपको बता दें इस बाइक में स्पोक व्हील आपको ऑफर की जाती है पर ये टायर जो है ये ट्यूबलेस टायर ही आपको मिलती है मतलब स्पोक व्हील है फिर भी जो है स्पोक बाहर से लगा हुआ है ये टायर पूरा ट्यूबलेस टायर के साथ आता है फ्रंट में आपको 120, 19 इंच का व्हील ऑफर की जाती है और रेयर में आपको मिलता है 170, 17 इंच का व्हील तो देख सकते हैं रेयर एंड फ्रंट व्हील दोनों में स्पोक के साथ आता है जो स्पोक बाहर से इंस्टॉल्ड है ताकि टायर जो है यहाँ पे ट्यूबलेस टायर इसमें फिट की जा सकती है कुछ इस तरीके का लुक है इस बाइक में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ब्रेकिंग सिस्टम देखिए यहाँ पे फ्रंट में आपको थ्री हंड्रेड टेन एम एम की डुअल डिस्क ऑफर की जाती है दोनों तरफ से ये डिस्क लगी हुई है एंड रेयर में आपको टू हंड्रेड एट्टी फाइव एम का डिस्क ऑफर की जाती है डुअल डिस्क डुअल चैनल एवी एस तो डिफिन रहेगा फ्रंट में आपको डुअल सेटअप डिस्क इस बाइक में ऑफर की जाती है और अभी बाइक की राइट साइड में देखिए यहाँ पे बी एम की बढ़िया सी लोगो और कलर कॉम्बिनेशन वही ब्लू व्हाइट एंड रेड के साथ काफ़ी बढ़िया लग रहा है और यहाँ पे एग्जॉस्ट देखिए हालांकि ये साइड बॉक्स के अंदर छुपा हुआ है यहाँ पे डबल बैरल एग्जॉस्ट आपको ऑफर की जाती है वो भी कार्बन टच फिनिश के साथ जो काफी बढ़िया लग रहा है जो देखिए साइड बैक के पूरा नीचे है काफी बढ़िया लुक इस बाइक में भी है और इस एग्जॉस्ट के नीचे जो टायर का सेक्शन देख सकते हैं काफी बढ़िया मॉडिफाइड टायर सेक्शन यहाँ पे आपको ऑफर की जाती है यहाँ पे एक टायर हगर और बैक साइड से कुछ इस तरीके का लुक आपको लगेगी यहाँ पे नंबर प्लेट आपको लग जाएगी यहाँ पे बी के लोगों और सारे एलईडी सेटअप के साथ ये बाइक आती है और यहाँ पे एक बढ़िया सी टॉप बॉक्स आप देख सकते हो तो हालांकि ये जो बाइक है ये पूरा मतलब एडवेंचर बाइक है इसमें सारे गियर सारे एक्सेसरीज लगा हुआ है तो टोटल जो एक्सेसरीज आप इस बाइक में देख रहे हो टोटल फाइव लैक्स प्लस का एक्सेसरीज इस बाइक में लगा हुआ है और देख ही सकते हो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे टॉप बॉक्स है और ये हो गया आपका साइड बॉक्स और ये साइड बैग के साथ साथ यहाँ पे मिल जाती है एक टैंक बैग जो बी एमडब्ल्यू की तरफ से ही आता है और ये टैंक बैग देखिए काफ़ी बड़ा है यहाँ पे टैंक बैग अटैच है पर यहाँ पे स्क्रैच लगने का कोई चांसेस नहीं है क्योंकि ये जो फिट एंड फिनिश है काफी बढ़िया है यहाँ पे अलग एक मटेरियल यूज किया गया है और सीट देखिए काफ़ी वाइड एक सीट मिल जाती है जो पिलियन राइडर का सीट है ये भी काफी वाइड सीट यहाँ पर आपको ऑफर की जाती है और राइडर पोजिशन से देखिए यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ग्रिप है यहाँ पे फुल फंक्शन आपको ग्रिप मिल जाती है यहाँ पे एक टी डिस्प्ले आपको ऑफर की जाती है जो काफ़ी मैसिव है और यहाँ पे मोबाइल माउंट करने का जगह भी कंपनी फिटेड है अलग से आपको लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे देखिए मोड चेंज करने का बटन है यहाँ पे इंजन स्टार्ट इंजन किल स्विच और ये बाइक सिर्फ सेल्फ स्टार्ट में स्टार्ट होता है और बाइक का लुक कुछ इस तरीके का है लुकिंग ग्लास थोड़ा सा नैरो मुझे लगा देखिए कितना छोटा सा लुकिंग ग्लास है बाइक के हिसाब से काफ़ी छोटा लग रहा है वैसे देखने में भी काफ़ी बढ़िया है और बाइक राइट साइड से कुछ इस तरीके के लुक के साथ आता है तो देखिए यहाँ पे जो विंड इंटेक है काफ़ी बढ़िया है यहाँ से एयर पास होने का जो जगह है जो एरोडायनामिक है इस बाइक का काफी बढ़िया है तो ये बाइक लेके आप ऑफ तो कर ही सकते हो साथ ही साथ अगर सिटी में भी राइड करोगे तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाला है इंडियन रोड पे ये बाइक ऑन रोड प्राइस तो आपको बताई देंगे साथ ही साथ देखिए यहाँ पे लंबा सा एक लिस्ट आपको दिख रहा होगा ये सारे एक्सेसरीज लिस्ट है और लिस्ट का टोटल प्राइस है फाइव लैक ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी फाइव रुपीज मतलब काफी एक्सपेंसिव एक एक्सेसरीज है डेफिनेटली इस बाइक में और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं इस बाइक में कोई चेन नहीं है मतलब ये चेन से बाइक ये नहीं चलता है इसमें शेफ्ट ड्रिवन बाइक है तो इसके अंदर एक शैप्ट है सेफ्ट के थ्रू ही ये बाइक रोटेट होता है जो काफ़ी इंस्टेंट पावर प्रोड्यूस करती है और ऑफ रोडिंग के लिए डेफिनेटली काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं मतलब इस चेन ब्रेक होने का कोई चांस नहीं है हालांकि इसमें शेप ड्रिवेंड बाइक है जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है ऑफ में तो बाइक कुछ दूर से इस तरीके का लुक के साथ आता है काफ़ी मैसिव बाइक है यहाँ पे 850 हंड्रेड mm फिफ्टी का सीट हाइट मिलता है जो मतलब और भी दूसरे एडवेंचर बाइक में सीट हाइट जो सेम रखा गया है बाकी बाइक का कुछ लेंथ काफ़ी चौड़ी एक लेंथ आपको मिलती है इस बाइक में सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर बाइक जहाँ पे आपको थर्टीन हंड्रेड का इंजन देखने को मिलता है तो अभी टॉप स्पीड की अगर बात करें तो इस बाइक से आप 225 से 230 किलोमीटर पर आवर तक टॉप स्पीड निकाल सकते हो और अगर माइलेज की बात करें डेफिनेटली इंडियन है तो माइलेज पूछेंगे ही तो माइलेज की अगर बात करें तो 20 से 25 तक माइलेज मतलब पर किलोमीटर माइलेज ये निकाल के दे सकती है तो ओवरऑल इस बाइक का लुक कुछ ऐसा है तो अभी चलिए बात करते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस क्या हो सकती है और कितने रुपए का एक्सेसरीज इस बाइक में इंस्टॉल किया गया है दिस इज अ वेरी न्यूली लॉन्च एडवेंचर बाइक फ्रॉम बीएमडब्ल्यू अभी आप सोच रहे हो कि इतना बेहतरीन एक बाइक की ऑन रोड प्राइस क्या हो सकती है तो आपको अप्रॉक्स बता देते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है ट्वेंटी फोर लैक्स जहां पे जो एक्सेसरीज आपको दिखा है जो एक्सेसरीज फिटेड एक्सेसरीज में है एक्सेसरीज का प्राइस एडिशनली आपको फाइव लैक्स रुपीज मोर पे करना पड़ेगा टू टेक दिस बाइक ओवरऑल दिस बाइक कॉस्ट अप्रॉक्स थर्टी लैक्स रुपीज विद दिस फुल फीचर एंड फुल एक्सेसरीज आपको यह बाइक कैसा लगा जरूर कमेंट से मेंशन कीजिएगा और इस बाइक की टेस्ट राइड लेके नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बहुत ही जल्दी मिलेंगे नए कोई अपडेट्स के साथ तब तक के लिए सेफ राइड सेव, सेव लाइफ